please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, जेल की चार दीवारी है और सुबह 8 बजे का वक्त है। एक 25 वर्षीय नौजवान खून की उल्टियां कर रहा है। खून की उल्टियां करते करते वह बेहोश हो जाता है। वो पिछले 5 महीने से इसी जेल में है। वो जेल में इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों से उसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर रखा है। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, नाड़ी देखी जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शोक की यह खबर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जंगलों में सन्नाटे की तरह फैल जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो नौजवान उन आदिवासियों का भगवान था और उस नौजवान का नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे। उनके पिता सुगना मुंडा ने उन्हें मिशनरी स्कूल में भर्ती करवाया। वहां उन्हें ईसाइयत का पाठ पढ़ाया गया। 1890 के आसपास बिरसा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। ब्रिटिश शासकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को बिरसा ने करीब से देखा था। साल 1892, मुंडा समुदाय के पास न खाने को भात था और न पहनने को कपड़े, और तभी लागू हुआ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसने उनके जंगल भी छीन लिए, और यही देख बिरसा ने हथियार उठाना तय किया। 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा ने जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई छेड़ी। उस समय सूदखोर महाजनों को दीकू कहा जाता था। दीकू कर्ज के बदले ज़मीन हड़पने का काम करते थे। जमींदारों के खिलाफ बिरसा ने आदिवासी कबीले को संगठित किया और बगावत कर दी। साल 1894, भयंकर अकाल पड़ा और चेचक और हैजा जैसी महामारी फैली। बिरसा ने अपने लोगों की पूरी मनोयोग से सेवा की। आदिवासी लोग तो मानते हैं कि चेचक और हैजा कोई देवीय प्रकोप है, लेकिन बिरसा उन्हें समझाते थे कि इन सब से कैसे लड़ा जाए। कबीले के लोग उन्हें धरती आबा के नाम से जानते थे, यानी धरती का पिता। संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा को पकड़ने पर 500 रुपये का इनाम रखा था, जो उस समय की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बिरसा ने अपनी अंतिम लड़ाई साल 1900 में रांची के दुमरी पहाड़ी पर लड़ी, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े। तीर, कमान और भाले कब तक बंदूकों का सामना करते। तकरीबन 400 लोग बेरहमी से मार दिए गए। अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन बिरसा उन्हें नहीं मिला। जहाँ बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहाँ 500 रुपये ने काम कर दिया, और 500 रुपये के लालच में बिरसा को अपने ही लोगों ने पकड़वा दिया। आज 9 जून है, यानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, जिनका सपना था अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। तो ये थे बिरसा मुंडा। हमारी प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.